नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई पुलिस की जबरन वसूली रोधी सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वाले कारोबारी रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। तो मुंबई के चेंबूर इलाके में इकबाल महमूद शेख नाम के शख्स ने हिंदू पत्नी रूपाली की इसलिए सोमवार रात को हत्या कर दी क्योंकि वो मुस्लिम रीति रिवाजों को नहीं मान रही थी। वही एकनाथ शिंदे सरकार ने एक मंत्री मराठा आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान के चलते विवादों में आ गए हैं। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मराठा समुदाय में आरक्षण की खुजली शुरू हो गई है। तो उधर महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का या स्क्रैप करने की मुहिम तेज कर दी है। इसी बीच अब शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के असिस्टेंट चंबा सिंह थापा ने एकनाथ शिंदे के गुट को ज्वाइन कर लिया। प्रदेश के इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई पुलिस की जबरन वसूली रोधी सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वाले कारोबारी रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि AEC ने उपनगर अंधेरी में भाटी को पकड़ा और उसके पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए। वो मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज जबरन वसूली के मामले में वांटेड था। अधिकारी के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील के रिश्तेदार भाटी और मोहम्मद सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट ने वर्सोवा के एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी थी। भाटी और सलीम फ्रूट ने कारोबारी से 30 लाख रुपए मूल्य की एक कार और 7.5 लाख रुपए नकदी वसूली की। पूछताछ के बाद भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में सलीम फ्रूट का नाम भी है। इससे पहले भाटी को जबरन वसूली, जमीन हड़पने और गोलीबारी समेत कई अन्य मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने यह भी बताया कि भाटी ने 2015 और 2020 में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भागने की भी कोशिश की थी। सलीम फ्रूट को इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डी कंपनी सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मुंबई के चेंबूर इलाके में इकबाल महमूद शेख नाम के शख्स ने हिंदू पत्नी रूपाली की इसलिए सोमवार रात को हत्या कर दी क्योंकि वो मुस्लिम रीति रिवाजों को नहीं मान रही थी। इसके अलावा रूपाली ने इकबाल से तलाक मांग लिया था और बच्चों की कस्टडी भी नहीं दी थी। इससे भड़के इकबाल ने क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया। इकबाल शेख और रूपाली ने 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ ही दिनों में वो इकबाल के घर रहने आ गई। रूपाली हिंदू थी और शादी के बाद भी वो मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन नहीं कर रही थी। इससे इकबाल और उसके परिवार वाले भड़क उठे थे। आरोप है कि उनकी ओर से रूपाली पर दबाव था कि वो बुर्का भी पहने, लेकिन रूपाली ने उनकी बात नहीं मानी और इस वजह से आए दिन परिवार में कलह होने लगी। इस बीच उसने एक बेटे को भी जन्म दिया, लेकिन इकबाल और परिवार के दबाव और झगड़ों के चलते रूपाली 6 महीने पहले अलग रहने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल शेख ने रूपाली को सोमवार शाम को चेंबूर के PL लोखंडे मार्ग पर नगेवाड़ी में मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान रूपाली ने इकबाल से तलाक की मांग की, लेकिन अपने बेटे का हवाला देते हुए इकबाल ने कहा कि वो तलाक नहीं देगा। इसके बाद उनके बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद इकबाल उसे पास की गली में ले गया और रास्ते में चाकू मार कर भाग गया। एकनाथ शिंदे सरकार के एक मंत्री मराठा आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान के चलते विवादों में आ गए हैं। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मराठा समुदाय में आरक्षण की खुजली शुरू हो गई है। हालांकि मराठा समर्थक संगठनों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना जैसे विपक्षी राजनीतिक दलों के हमले के बाद सावंत ने माफी भी मांग ली। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के प्रबल समर्थक रहे हैं और एक मंत्री के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्री पद छोड़ने से पहले समुदाय को कोटा मिले। सावंत ने इसके पहले कटाक्ष किया था कि राज्य में सरकार के बदलने के बाद एक बार फिर से समुदाय के लिए आरक्षण की खुजली शुरू हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल मई में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। 2 साल तक मराठा आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब राज्य में सरकार बदलने के बाद आरक्षण के लिए खुजली है। यहाँ तक कि मैं भी ये चाहता हूँ और मेरी अगली पीढ़ी भी यही चाहती है। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने या स्क्रैप करने की मुहिम तेज कर दी है। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त अविनाश ढकने ने कहा कि जैसे ही प्रोसेस डिजिटल होगी, राज्य में वैज्ञानिक तरीके से 20 लाख वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी हाल ही में मोटर वाहन संशोधन नियम 2022 पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
इसमें कहा गया था कि 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को रद्द किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए वाहन मालिकों पर कोई दबाव नहीं होगा। वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो आपको देश भर में 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करवानी होगी। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि स्क्रैपिंग केंद्र रिकॉर्ड के तौर पर 10 साल तक के लिए सभी दस्तावेजों की डिजिटल स्कैन की गई कॉपी को बनाए रखेंगे। वाहन तब तक स्क्रैप नहीं किए जाएंगे जब तक ईंधन, तेल, एंटी फ्रीज और अन्य गैसों, तरल पदार्थों का निकाला नहीं जाता और प्रमाणित मानक कंटेनरों में एकत्र नहीं किया जाता। वाहन पोर्टल पर ये प्रक्रिया की पूरी तरह से डिजिटल होगी और अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर इसकी पूरी तरह कागजी कार्रवाई होने से अब लोगों को वाहन स्क्रैपेज में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल उद्धव गुट में अभी टूट का सिलसिला जारी है। अब शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के असिस्टेंट चंपा सिंह थापा ने एकनाथ शिंदे के गुट को ज्वाइन कर लिया। बता दें कि चंपा सिंह थापा बालासाहेब ठाकरे के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। बालासाहेब के निधन तक थापा ने उनकी खूब सेवा की थी। चंपा सिंह थापा का शिंदे गुट के साथ जाना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। दरअसल सोमवार को एकनाथ शिंदे थाने के तेंबी नाका इलाके में नवरात्रि के कार्यक्रम में गए थे, जहां चंपा सिंह थापा ने सीएम शिंदे का स्वागत किया और इसी दौरान वो उनकी शिवसेना में शामिल हो गए। चंपा सिंह थापा शिवसेना के संस्थापक बाल साहब ठाकरे के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक थे। थापा ने 27 साल तक नवम्बर 2012 में उनके निधन से पहले तक सेवा की। शिंदे गुट ज्वाइन करने के बाद चंपा सिंह थापा ने मीडिया से भी बात की। इसी दौरान उन्होंने सीएम शिंदे की तारीफ की और कहा कि शिंदे ऐसे नेता है जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आज भी फॉलो करते हैं। जब मीडिया ने पूछा कि क्या उन्हें उद्धव की विचारधारा पसंद नहीं है, तो थापा ने कहा कि मैं उनकी विचारधारा के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शिंदे साहब से जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं यहां आया और उनसे जुड़ गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सिलमपुर इलाके में 12 वर्षीय लड़के के साथ तीन दोस्तों द्वारा मारपीट और कथित तौर पर कुकर्म किए जाने के बाद पीड़ित का इलाज जारी है, तो एलजेवी के सक्सेना के खिलाफ जंग में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में एलजी के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया। वहीं एप्पल के सीईओ टिम कुक टेक ने 9 साल के एक भारतीय लड़के की तारीफ की है। तो उधर राजस्थान कांग्रेस में मची कलह के बीच मायावती की पार्टी भी एक्टिव हो गई है। इसी बीच देश भर के हाई कोर्ट्स में बड़ी संख्या में केस लंबित है। इस बीच ओडिशा उच्च न्यायालय के सीनियर जज ने एक ही दिन में 32 मामलों में फैसला सुनाया है। देश भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सिलमपुर इलाके में 12 वर्षीय लड़के के साथ तीन दोस्तों द्वारा मारपीट और कथित तौर पर कुकर्म किए जाने के बाद पीड़ित का इलाज जारी है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सीआईयू में लड़के का इलाज जारी है। कथित तौर पर पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला गया था। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़के ने घटना के चार दिन बाद गुरुवार को अपने माता पिता को हमले के बारे में बताया। इसके बाद उसके माता पिता ने DCW को सूचित किया और लड़के को बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने कहा कि एक पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और लड़के के माता पिता से मिली, जिन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सखी नाम के संगठन से एक काउंसलर की व्यवस्था की और लड़के और उसकी मां की काउंसलिंग की गई। इसके बाद पीड़ित की मां ने खुलासा किया कि 18 सितंबर को उसके बेटे के साथ उसके तीन दोस्तों ने मारपीट की और उससे कुकर्म किया। दो आरोपियों को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है और तीसरे लड़के को पकड़ने के प्रयास जारी है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित और आरोपी पड़ोसी है और वे सभी 10-12 साल के आयु वर्ग के हैं। पुलिस ने कहा कि वे एक ही समुदाय के हैं। एलजीवी के सक्सेना के खिलाफ जंग में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में एलजी के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एलजी की ओर से दायर मनहानी केस में ये अंतरिम फैसला सुनाया। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं को सोशल मीडिया पर अपमानजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने को कहा जाए। एलजीवी के सक्सेना की ओर से दिल्ली सरकार की शराब नीति समेत कई मुद्दों पर जांच के आदेश देने के बाद आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर हो गई थी। दिल्ली के कई नेताओं ने एलजीवी के सक्सेना पर 1,400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आरोप लगाया गया कि सक्सेना जब खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे, तब उन्होंने नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद कराया था। इसके अलावा उन पर कर्मचारियों के वेतन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया।
आप विधायक दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना और सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं ने एलजी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किए थे। सक्सेना को चोर और भ्रष्टाचारी कहा गया। एलजीवी के सक्सेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए 5 आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके 5 नेताओं से ब्याज सहित 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की भी मांग की है। एप्पल के सीईओ टिम कुक टेक दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है और उन्होंने अब 9 साल की एक भारतीय लड़की की तारीफ की है। बेहद कम उम्र में यह लड़की ऐप डेवलपर के तौर पर काम कर रही है और इसकी ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब देते हुए कुक ने उसे सबसे कम उम्र की ऐप डेवलपर होने के चलते बधाई दी है। दुबई में रहने वाली इस भारतीय मूल की लड़की का नाम हाना मोहम्मद रफीक है। हाना ने टीम कुक को ईमेल भेजकर अपनी स्टोरी टेलिंग ऐप हानास के बारे में बताया, जिसे उसने खुद तैयार किया है। बता दें, हानास एक फ्री ऐप है जिसकी मदद से माता पिता अपने बच्चों के लिए कहानियां रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाना ने बताया कि उसने हानास ऐप तब तैयार की जब वो केवल 8 साल की थी। उसकी माने तो ये ऐप तैयार करने के लिए कोड की करीब 10,000 लाइनें लिखनी पड़ी। हाना ने बताया कि वो 5 साल की उम्र से ही कोडिंग कर रही है और उसने ऐप तैयार करने के लिए किसी प्री मेड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, क्लासेज या कोर्स की मदद नहीं ली। ईमेल के जवाब में टीम कुक ने इतनी कम उम्र में ऐप तैयार करने और उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगर हाना ऐसे ही लगी रही तो भविष्य में वो और भी बेहतरीन काम कर सकती है। हाना और उसकी बहन लीना दोनों ने अपने माता पिता की मदद से खुद कोडिंग सीखी है। हाना की बहन ने एक वेबसाइट तैयार की है जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस में मची कलह के बीच मायावती की पार्टी भी एक्टिव हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक की। बैठक में आनंद ने राज्य को 2 जोन में विभाजित किया। पहले जोन में 16 जिले तथा दूसरे में 17 जिले आते हैं। इसमें कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और प्रदेश इकाई के प्रमुख भगवान सिंह बाबा को पहले जोन का जिम्मा सौंपा जाएगा। बसपा नेता अशोक सिद्धार्थ, सुरेश आर्य तथा सीताराम मेघवाल को दूसरे जोन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आनंद ने अनुशासनहीनता के लिए बसपा से निष्कासित किए गए 12 लोगों की वापसी की भी घोषणा की। आकाश आनंद ने ट्विटर पर बैठक से पहले कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव हमारे समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आने वाले 2023 में हर हाल में राजस्थान में बीएसपी को बैलेंस ऑफ पावर बनाकर सरकार बनानी है। सभी जिला प्रभारी और जिलाध्यक्षों से मिले आश्वासन ने उम्मीद जगाई है कि इस बार राजस्थान से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देश भर के हाई कोर्ट्स में बड़ी संख्या में केस लंबित है। इसी बीच ओडिशा उच्च न्यायालय के सीनियर जज ने एक दिन में 32 मामलों में फैसला सुनाया है। अधिकारियों ने बताया कि जस्टिस देवव्रत दास की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने ये फैसले सुनाए। इनमें से ज्यादातर राज्य में अपीलीय सिविल अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली दूसरी अपील है। 32 में से 31 मामले दूसरी अपील से जुड़े हैं, जिनमें से कई 1988 से 1990 के बीच के हैं। गंगाधर प्रधान नाम के एक व्यक्ति ने 1990 के एक मामले में दूसरी अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस ने बालासोर जिले में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को जमीन की बिक्री के यथास्थिति के दावे को बरकरार रखा। प्रधान ने 1990 में यह अपील करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था कि उनके विरोधी पक्ष ने संपत्ति का कुछ हिस्सा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के अधिकारियों को बेच दिया। एक अन्य मामले में जस्टिस देवव्रत दास ने कालाहांडी के जिला कलेक्टर की अपील को बरकरार रखा, जिन्होंने 1999 में प्रहलाद अघरिया नाम के एक शख्स और अन्य लोगों की ओर से सरकारी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ओडिशा एससी में अतिरिक्त स्थायी वकील समरेश जेना ने कहा कि एक ही दिन में 32 मामलों पर फैसला सुनाना अहम है। चीन और रूस के साथ तनाव के बीच क्वाड देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में एकजुटता का प्रदर्शन किया। तो पैगंबर विवाद पर बवाल मचा देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुसलमान खुलेआम हिंदू क्रिकेटर को धमका रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। वही क्यूबा में नई परिवार संहिता पर कराया गया लोकप्रिय जनमत संग्रह परिवार के केंद्रीय अवधारणा को बदलने वाला साबित हुआ है। तो उधर ईरान में हिजाब की जबरदस्ती को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर चुकी है। महसा अमीनी की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यूक्रेन ने रूस द्वारा कैदियों के संग किए गए दुर्व्यवहार को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
चीन और रूस के साथ तनाव के बीच क्वाड देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में एकजुटता का प्रदर्शन किया है। भारत की तरफ से पीएम मोदी अपने दोस्त शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने के लिए गए हैं। उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री अगले 3 दिनों तक दुनिया के 40 देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जापान शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के अवसर का इस्तेमाल मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत पर जोर देने के लिए कर रहा है। लद्दाख से लेकर जापान सागर तक फैले इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार जंग की धमकी दे रहा है और दादागिरी दिखा रहा है। जापान के इस दाव से चीन को तीखी मिर्ची लगी है। जापानी पीएम ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत 10 देशों के नेताओं से मुलाकात की। कमला हैरिस के जनवरी 2021 में सत्ता संभालने के बाद ये उनकी पहली जापान यात्रा थी। कमला हैरिस ने एक बार फिर से अमेरिका की जापान की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिका नेता ने कहा कि अगर जापान को धमकी दी जाती है तो अमेरिका टोक्यो के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पीएम किशिदा ने कहा कि जापान और अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता है। पैगंबर विवाद पर बवाल मचा देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुसलमान खुलेआम हिंदू क्रिकेटर को धमका रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। ये वाकया बांग्लादेश के स्टार हिंदू क्रिकेटर लीटन दास के साथ हुआ था, जिन्होंने महालिया के मौके पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बधाई दी है और उसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में इस्लामवादियों ने क्रिकेटर लीटन दास की हिंदू धार्मिक मान्यताओं को बदनाम किया और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कहा। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने लीटन दास के पोस्ट पर जमकर अनाप शनाप बातें लिखी है। अपने फेसबुक पोस्ट में बांग्लादेशी बल्लेबाज ने देवी दुर्गा की एक मूर्ति की तस्वीर को शेयर किया था और कैप्शन में लिखा था कि सुबह महालय, माँ दुर्गा आ रही है। इसके तुरंत बाद इस्लामवादी उनकी टाइमलाइन पर उतर आए और लीटन दास को हिंदू धर्म के अनुयायी होने के लिए गालियां देनी शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि मान्यताओं के अनुसार महालय कैलाश पर्वत से देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। उनके पोस्ट पर इस्लामवादियों ने मूर्ति पूजा की निंदा की और हिंदू देवता को मिट्टी से बने वस्तु के रूप में मजाक उड़ाया। एक यूजर ने लिखा कि दुनिया का सबसे अच्छा धर्म इस्लाम है, तो दूसरे ने लिखा कि इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म का पृथ्वी पर कोई मूल्य नहीं है। क्यूबा में नई परिवार संहिता पर कराया गया लोकप्रिय जनमत संग्रह परिवार के केंद्रीय अवधारणा को बदलने वाला साबित हुआ है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में क्यूबाई लोगों ने समलैंगिक विवाह और गोद लेने को वैध बनाया, सेरोगेट गर्भधारण की अनुमति देना और गैर जैविक माता पिता को अधिक अधिकार देने के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान किया। क्यूबा के इतिहास में पहली बार ऐसे किसी मुद्दे पर जनमत संग्रह हुआ है। ऐसे में इसे एक ऐतिहासिक घटना करार दिया गया। इसके अलावा ये दुनिया में घटने वाली बड़ी घटना है, क्योंकि क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लोकप्रिय सलाह और जनमत संग्रह के लिए एक परिवार संहिता पेश की है। नई संहिता सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के परिवार बनाने के अधिकार की गारंटी देता है, समान लिंग विवाह को वैध बनाती है और ऐसे जोड़ों को बच्चे गोद लेने की अनुमति देती है जो समलैंगिक है। ये गैर पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को आपस में साझा करने की अनुमति भी देती है, जिसमें दादा दादी, सौतेले माता पिता और सरोगेट माता शामिल है। इसी के साथ ही ये घर में समान बंटवारे को बढ़ावा देने के साथ ही बच्चों, बुजुर्गों या विकलांगों के लिए पूर्णकालिक देखभाल करने वालों के लिए श्रम अधिकारों का विस्तार करती है। ये नई संहिता घरेलू हिंसा के दंड को संहिताबद्ध करती है और शारीरिक हमले को रोकती है। ईरान में हिजाब की जबरदस्ती को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर चुकी है। महसा अमीनी की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 20 साल की युवती हदीस नजफी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी करती दिख रही है। वो अपने खुले हुए बालों को बांध रही थी, तभी इस्लामिक रिपब्लिक के सुरक्षा बलों ने उसके सीने, चेहरे और गर्दन पर गोली मार दी। विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया है। महसा की मौत के बाद जो ईरान में तूफान उठा है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा और उसकी चिंगारी अब अन्य देशों में फैलने लगी है। तमाम चेतावनी के बावजूद महिलाएं हिजाब को लेकर आक्रोशित है। इस्लामिक राष्ट्रों में बेचैनी है। गौरतलब है कि ईरान के अलावा भी करीब करीब सभी मुस्लिम देशों में हिजाब पहनना अनिवार्य है और कई देशों में तो शरिया कानून की सख्ततम व्याख्या की गई है, जिसने औरतों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शिया
अयाज जमाल अल्दीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विरोध प्रदर्शन करने वाली ईरानी महिलाओं को हिजाब विरोधी वेश्या करार दिया है और उन्हें इस्लाम और संस्कृति को नष्ट करने वाली बताया। हालांकि इस बयान को लेकर लोगों में और भी आक्रोश फैलता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस द्वारा कैदियों के संग किए गए दुर्व्यवहार को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। यूक्रेन ने दुनिया के सामने रूस द्वारा कैदियों संग किए गए सलूक की झलकी भी दिखाई। यूक्रेन ने अपने एक सैनिक की तस्वीर जारी की है जिसे रूस ने कैद कर रखा था। इस तस्वीर में रूस द्वारा सैनिक को कैद किए जाने से पहले और बाद की छवि दिखाई गई है। एक बारगी इस तस्वीर को देख यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की है। दरअसल रूस ने एक समझौते के तहत 21 सितंबर को यूक्रेन को उसके 215 सैनिकों को सौंपा। ये वे सैनिक थे जो रूस के हमले के दौरान मरियुपोल में एक इस्पात संयंत्र की सुरक्षा करते वक्त कैद कर लिए गए थे। इनमें से कई ऐसे सैनिक और अधिकारी हैं जिन्हें रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में मौत की सजा मिली थी। यूक्रेन कई महीनों से इन कैदियों को मुक्त कराने के प्रयास कर रहा था। यूक्रेन ने इन 215 सैनिकों के बदले में जिस कैदी को छोड़ा वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक सहयोगी विक्टर मेदवेद चुका था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर उन्हीं 215 सैनिकों में से एक सैनिक माइखाइलो डाइनोव की तस्वीरें साझा की जिसमें बताया गया है कि वो कैदी कितना भाग्यशाली था कि चेहरे पर डर और दुर्बल दाहिने हाथ के बावजूद जीवित रहा और कैद से बच निकला। डाइनोव के दाएं हाथ में से 4 सेंटीमीटर की हड्डी गायब है। तो बीकेबी न्यूज की आज की इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।